अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। जितने मेरे भाई, जितने मेरे बहनों, जितने भी ट्रेडर्स आते हैं, सब खैर ऑफियस होंगे, मजे में होंगे। आज वीडियो लेट होने के लिए माजरत। वीडियो लेट होने की वजह यह थी कि आप अभी भी अगर मेरी आंखें गौर से देखें तो बिल्कुल भी नींद नहीं कर पा रहे, और आज वीडियो लाइव होनी थी लेकिन कुछ मसले के तहत, कुछ मसले मसाइल की वजह से डेवलपर जो है हमारे वो थोड़े बिजी हो गए थे, उनके साथ थोड़े मिसहैप हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया ये चीज़। तो इंशाल्लाह एक दिन में वो भी चीज़ हो जाएगी, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लाइव होने वाली ये चीज़, जब कोई बड़ी चीज़ कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लेना होता है, तो फिक्र नहीं करें, परेशान नहीं हुए। अच्छा, अभी आज गोल्ड की क्या सिचुएशन है, गोल्ड की आज की मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। सबसे पहले तो हम आ जाएंगे इस पे, फॉरेक्स 50 पे आते हैं। हम फॉरेक्स 50 में क्या सिचुएशन दिखा रही है इसमें देखते हैं हम। अच्छा, जब तक ये लोड ले रही है। अच्छा, फॉरेक्स फैक्ट्री हमें आज बैंक हॉलीडे, मार्केट बंद है, तो आज ऐसा कोई मार्केट में बड़ा कोई मूव आने के इम्कान है नहीं। ऐसा कोई प्रेडिक्ट है नहीं कि मार्केट में कोई ऐसा बड़ा मूव, कोई ऐसा मजेदार मूव आ जाए। और मार्केट अगर घूमेगी तो मार्केट ये इसी रेंज में घूमेगी जो कि आपकी रेंज है 1814 से लेकर 1830 तक की जो रेंज है, मतलब 150 पिप की जो रेंज है, मार्केट इसी रेंज में घूमती रहेगी। और एक और बड़ी मजे की चीज, अगर हम डेली देखते हैं तो डेली में हमें एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज दिख रही है कि आज की कैंडल तो इसी तरीके से क्लोज होने वाली है, लेकिन जो कल वाली कैंडल होनी है, कल वाली कैंडल अगर ये आज वाली कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं हम इसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लेकिन मुझे इतना मजेदार नहीं है हेड एंड शोल्डर, इसमें इतनी पोटेंशियल नहीं दिख रही ना इस हेड एंड शोल्डर में इतनी, तो मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि प्राइस जो है, प्राइस इस एरिया, ये वाली कैंडल हैमर क्लोज होनी है आज, और ये वाली कैंडल हैमर क्लोज होने के बाद कल वाले जो दिन है, कल वाले दिन में थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगी, उसके बाद बाइंग में प्राइस जाएगी, और प्राइस तकरीबन ये वाला लेवल भी ब्रेक कर देगी। लेवल कौन सा? 1830 वाला लेवल ब्रेक कर देगी। तो जितने भी बाइंग है 1830 पे दोबारा एंट्री नहीं लिएगा सेल की। क्यों नहीं एंट्री लिएगा सेल की? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ टचेस कितने हो गए इस एरिया पे। तीन टचेस हो गए इस एरिया पे, तीन से चार टचेस हो गए इस एरिया पे। अब ये एरिया फारिग हो गया है, ये वॉल है, ये वॉल अब बेकार हो गई है, वॉल टूटने वाली है, ये समझ लें कि इसका प्लस्तर उतर गया, बस ईंटों पे लात मारना बाकी और ये दीवार गिर जाएगी। तो चांसेस बहुत हैं कि वॉल टूट जाएगी, तो उस पर सेल के चांसेस मत देखिएगा, कोशिश करिएगा 20 से 18 से बाय करिएगा, और उसको फिर बाइंग साइड पे ही देखिएगा कल की मार्केट के साथ। कल के जैसी मार्केट वो होती है, कल मैं आपको जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसमें आपको और मार्केट का मैं और बेहतर तरीके से बता दूंगा। तो मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है, मुझे बाइंग मार्केट दिख रही है गोल्ड तकरीबन 1850 तक की बाइंग दिख रही है मिनिमम फर्स्ट साइड। 1850 पे मार्केट थोड़ा सा ब्रेक लेगी, वहां से 50 पिप्स डाउन आएगी, उसके बाद फिर बाइंग दोबारा अपनी स्टार्ट करेगी। वैसे ये बाइंग गोल्ड की इतनी यहाँ तक जाती हुई दिख रही है क्योंकि अक्सर लोग जो है यहाँ पर देख के सेलिंग में बैठेंगे, और वो उन लोगों को ही मार्केट लूटने के लिए बाइंग में चले जाएगी। सही है, तो वीडियो में आज की मार्केट इतनी स्लो थी तो इतने ज़्यादा कोई मजे के वो ट्रेड्स हैं नहीं आज, अगर होती तो वो आप लोग को बता देता आपका भाई। बाकी इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। अच्छा, जितने भी भाई हैं सब टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाएं, व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस हो गए हैं कि आज मैं तकरीबन कोई सुबह आठ बजे से मैं व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई दे दे के थक गया हूँ। तकरीबन 7000 से मैसेजेस अब आ गए हैं, कोई 1200-1500 मैसेज आ गए हैं, इंशाल्लाह वो भी निपटा देंगे। तो सब भाइयों को इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे टाइम पे, और आप लोग जो हैं सब टेलीग्राम पे आ जाएंगे, किसी का कोई भी सवाल हो टेलीग्राम या मेरे नंबर पे कॉल कर दिएगा तो आपका भाई आप लोग के लिए हाजिर है। वीडियो का इख्तिताम यहीं पर कर देंगे, आज के दिन इतनी कोई खास ट्रेड्स है नहीं, मार्केट बहुत स्लो है तो मज़ा भी नहीं आएगा आप लोगों को। बाकी चलें क्लोज करते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शुक्रिया।